गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लेसन टू पवित्र बीज। वर्षों पहले एक देश में एक गरीब आदमी रहता था। एक बार उसे भूख लगी तो फल वाले की दुकान से नाशपाती का फल उठा लिया। उसके बाद से जो फल वाला था उसे पकड़ लिया। पकड़ने बाद उसे राजा दरबार में ले गया। जैसे ही राजा दरबार में बैठे तो जो गरीब आदमी था वो गिड़गिड़ाते हुए बोला कि महाराज, यदि आप हमें क्षमा कर दें तो आपको एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार दूंगा। तो राजा ने उसके फटे चिथड़े कपड़े को देखकर हंसते हुए बोले, तुम्हारे पास मूल्यवान उपहार कैसे हो सकता है। गरीब आदमी ने अपने कुर्ते की जेब से एक नाशपाती का बीज निकालते हुए राजा की ओर बढ़ा और बोला कि महाराज, आप इस बीज को बो दें, एक दिन में बड़ा होकर सुनहरा फल देगा। तो राजा ने कहा, तुम ही बो दो और कल मैं तुम्हारा फल देखूंगा, उसके बाद से तुम्हें मैं स्वतंत्र कर दूंगा। उसके बाद से उस गरीब आदमी को बाग में ले जाया गया। उसके बाद से वो गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदने के बाद उठकर खड़ा हुआ। राजा ने कहा कि अब इस बीज को बो दो। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं इस बीज को नहीं बो सकता, मैंने चोरी किया है, मैं अपवित्र हूँ, मैं पापी हूँ। इस पवित्र बीज को वही बो सकता है जो कभी न जीवन में पाप किया हो, न किसी को धोखा दिया हो, न ही कोई चोरी की हो, न ही कोई झूठ बोला हो। मैं तो अपवित्र हूँ। और गरीब आदमी बोला, महाराज आप पवित्र हैं, आप ही इस बीज को बो दीजिए। तो यह सुनकर राजा का चेहरा लाल पड़ने लगा। अपने गुस्से को दबाते हुए वो बोले, नहीं, मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों बोऊँगा, इस बीज को मंत्री जी को दे दीजिए, वही बो देंगे। मंत्री जी भी घबरा उठे और बोले कि महाराज, अब तक मैंने जितने भी पौधे लगाए हैं वो सबके सब सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो इस बीज को मैं नहीं बो सकता, ये तो पवित्र बीज है, इसे खजांची को दे दिया जाए। तो खजांची ने भी बहाना ढूंढ लिया और ऐसे ही करके राजा के जितने भी अधिकारी थे सभी बहाने ढूंढ लिए और किसी ने भी इस बीज, पवित्र बीज को बोने का साहस न किया। सभी दरबारी और राजा चुप खड़े रहे। गरीब आदमी सबका चेहरा कर एक एक करके देखता रहा। किसी ने साहस न किया पवित्र बीज को बोने का। तो उसने दरबारियों की तरफ अपना मुँह करके बोला, आप लोगों में से किसी ने भी इस पवित्र बीज को बोने का साहस न किया, इसका मतलब ये है कि आप लोग भी चोरी, झूठ, धोखेबाजी के दोष से मुक्त नहीं हैं। और बोला, आप सभी धनी हैं और राज्य के ऊंचे पदों पर हैं, फिर भी आप लोग मुझे दंड देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये चोरी केवल अपनी भूख मिटाने के लिए की है। और राजा से बोला, आप महाराज आप ही निर्णय कीजिए कि मुझे किस तरीके का दंड मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा तुम दोषी अवश्य हो, लेकिन दोषी मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे राज्य में तुम भूखे हो, इसीलिए तुम दंड के भागी नहीं हो सकते, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। इतना कहकर राजा अपने दरबार की तरफ चल दिए और उनके पीछे पीछे उनके सारे अधिकारी भी चल दिए। आशा करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास की, कि इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन है इसके इसके बारे में। तो पहला है, सही विकल्प पर का निशान लगाएं, यानी सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। गरीब आदमी ने उठा ली क्या, एक नाशपाती उठाई या एक लीची या एक रोटी, क्या उठाई थी, एक नाशपाती उठाई थी, यानी कि ये सही है। बीज एक दिन में उगकर देगा, बीज एक दिन में बड़ा होकर क्या देता था, देने के लिए बोला था वो गरीब आदमी ने, था अच्छा फल, सुनहरा फल, पीला फल, सुनहरा फल देने के लिए बोला था। गरीब आदमी ने राजा से बोला कि बीज एक दिन में बड़ा होकर क्या देगा, सुनहरा फल देगा, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है, गरीब आदमी को ले जाया गया कहाँ, गुफा में, घर में या बाग में, तो गरीब आदमी को बाग में ले जाया गया, इसीलिए बाग वाला ऑप्शन सही होगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, मैं तुम्हें सजा देता हूँ, मैं तुम्हें विवश करता हूँ। राजा ने लास्ट में क्या कहा था, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है, सही शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। राजा के बैठते ही गरीब आदमी क्या किया, तो गिड़गिड़ाया, तो क वाले में ये भर देंगे, गिड़गिड़ाया। फिर कह रहा है कि मैं कल फल देखूँगा, क्या क्या फल देखूँगा, कौन सा, सुनहरा फल देखूँगा, तो ये ख वाले फिल कर देंगे आप। उसके बाद से राजा का मुंह हो गया, क्या हो गया,
लाल हो गया था ना इसका राजा का मुंह, तो इसीलिए ये ग वाले ऑप्शन में लाल हो जाएगा। अगला है घ है, मैं एक से पौधा नहीं उगा सकता, तो पवित्र बीज से पौधा नहीं उगा सकता था, ठीक है, तो ये घ वाले में ये हो जाएगा। और लास्ट जो बचा, गरीब आदमी ने राजा की तरफ देखा, तो इसमें राजा हो जाएगा लास्ट वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। वर्षों पहले चीन में एक अमीर आदमी रहता था, चीन की बात थोड़ी नहीं हो रही है, इसलिए ये गलत है। अब फल वाला उसे पकड़कर राजा दरबार ले गया, ये सही है। ग है, गरीब आदमी ने कहा कि यह बीज एक दिन में उगकर सुनहरा फल देगा, सही कहा ना उसने, तो इसीलिए ये सही है। राजा ने गरीब आदमी को मृत्युदंड दिया, तो गलत है ना, कहाँ मृत्युदंड नहीं दिया था, इसीलिए गलत का चिन्ह लगेगा इसके ऊपर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस लेसन को पढ़ने के बाद उसी का हमें उत्तर लिखना है। गरीब आदमी ने नाशपाती क्यों चुराई, तो गरीब आदमी, यहाँ से यहाँ तक गरीब आदमी ने नाशपाती, ये पूरा लिखना है आपको, इसको मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं होता, तो इसको पहले लिख के गरीब आदमी ने नाशपाती, उसके बाद से लिखना है अपनी भूख मिटाने के लिए चुराई, यही बात थी ना, अपनी भूखा था वो, इसीलिए अपनी भूख मिटाने के लिए नाशपाती चुराया था। अगला क्वेश्चन है ख, गरीब आदमी ने राजा से क्या कहा, तो गरीब आदमी ने राजा से कहा, यहाँ तक लिखेंगे गरीब आदमी ने राजा से, और क्या को हटा के लिखेंगे कहा, गरीब आदमी ने राजा से कहा, और उसके बाद से लिखेंगे कि, क्योंकि इतना यहाँ पे जगह नहीं था, और आपको बनाने भी आना चाहिए, क्वेश्चन को इन्वॉल्व करके आंसर बनाने भी आना चाहिए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आंसर बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन में से लिखेंगे इतना पार्ट कि गरीब आदमी ने राजा से, उसके बाद से क्या को हटा देंगे, क्योंकि तो प्रश्न पूछने वाला शब्द है, इसीलिए क्या को हटा देंगे, राजा से कहा, और उसके बाद से लिखेंगे कि, यदि आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं आपको बहुमूल्य उपहार दूंगा। अगला है ग, राजा ने गरीब आदमी को क्या आदेश दिया, तो राजा ने गरीब आदमी को आदेश दिया कि, देखिए इसमें भी से भी पूरा इन्वॉल्व है, राजा ने गरीब आदमी को आदेश दिया कि, बस कि इसमें से क्या को हटा देंगे, कि अब बीज को बो दो, अब बीज को बो दो। अब अगला क्वेश्चन है घ, गरीब आदमी ने क्या कहकर बीज नहीं बोया, तो गरीब आदमी ने कहा कि मैं अपवित्र तथा चोर हूँ, इसलिए मैं इस बीज इसे नहीं बो सकता, यही कहा था ना वो गरीब आदमी, तो इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। राजा ने क्या कहकर आदमी को मुक्त कर दिया, तो राजा ने कहा कि तुम दोषी हो, लेकिन दोषी मैं भी हूँ, क्योंकि तुम मेरे राज्य में क्या हो, भूखे हो, ठीक है, यही कहकर राजा ने उस गरीब आदमी को मुक्त कर दिया। अब आता है भाषा ज्ञान में, निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर लिखिए, तो धन प्लस वान तो क्या हो जाएगा, धन वान, ठीक है, वैसे मूल्य प्लस वान, ऐसे ही सबको आप करके लिख लेंगे, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया। अगला है, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा ज्ञान का, निम्नलिखित में से ई की मात्रा हटाकर विशेषण बनाइए, यानी कि इसमें ई की मात्रा लगा हुआ है, देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है ना गुलामी में, तो गुलामी से जब बड़ी ई की मात्रा को हम हटा देंगे तो हो जाएगा गुलाम, गुलाम, देखिए बड़ी का मात्रा इसमें लगा था यहाँ पे, तो इसी को वो कह रहा कि हटा दीजिए, और हटा के विशेषण बना दीजिए, तो हम जब बड़ी का मात्रा को हटाए तो गुलाम, यानी कि गुलाम किसी भी व्यक्ति की ही विशेषता बताता है, इसीलिए गुलाम हो जाएगा विशेषण। तेजी, तो तेजी से जब बड़ी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तेज, ठीक है। बीमारी, तो बीमारी से बड़ी की मात्रा को हटा देंगे तो ये हो जाएगा बीमार। अगला है लाचारी, तो लाचार, बस बड़ी की मात्रा को हटाए, सुस्ती, तो सुस्त, ये जितने शब्द बन रहे हैं सब के सब विशेषण है, सब के सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हैं, ठीक है। अब अगला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि इन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, तो देश का हो जाएगा विदेश, दिन का रात, पुराने का नया, पवित्र का अपवित्र, झूठ का सच, गरीब का अमीर, भूखा का प्यासा, कल का आज, राजा का भिखारी या रंक, अपना का पराया, ये विलोम शब्द हो जाएंगे। अब कह रहा है क्रियाकलाप में, बताइए राजा के दरबार में सभी अपराधी थे, ऐसा क्यों, तो आपको ये सोच के बताना होगा कि राजा के दर अपराधी थे, तभी तो पवित्र बीज को बोने का साहस नहीं किए, क्यों अपराधी थे, क्योंकि कोई ना कोई जरूर झूठ बोलता रहता है, इसीलिए हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हमें कम से कम झूठ बोलना पड़े, ठीक है, और कम से कम किसी के साथ ना धोखेबाजी करें,
या गलत तरीके से किसी से पैसा या धन चाहे कोई भी सामान ना हम ले, तो ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि ये लोग बचे नहीं थे, धन इकट्ठा करने के चक्कर में ये लोग क्या किए थे, झूठ बोले थे, कहीं ना कहीं चोरी किए थे, कुछ ना कुछ पाप किए थे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते रहते हैं छोटा मोटा, और छोटी मोटे धोखेबाजी किसी न के साथ करते रहते हैं। अगला है इसमें, सोचकर बताइए कि क्या उस गरीब के आदमी द्वारा दिए जाने वाला नाशपाती का बीज बोने से एक सुनहरा फल देता, यदि नहीं तो क्यों। क्योंकि नाशपाती का फल जो बीज होता है वो एक दिन में बड़ा होता ही नहीं है, उसके लिए 15-20 दिन लगते हैं उसको बड़ा होने के लिए, फल देने लायक होने के लिए, तो इसीलिए वो नहीं देता। उसने तो राजा को एक अपने ट्रिक्स के द्वारा एक्सपोज करना चाह रहा था, राजा और उनके उत्तराधिकारियों। इस कहानी से मिलने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए, और इस कहानी से आपको क्या संदेश मिला है, आपको क्या सीख मिली है कि चोरी नहीं करना चाहिए, या जो भी आपको सीख मिली है, इस जो भी खाली स्थान है इसमें आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। नीचे दिए गए स्थान पर नाशपाती का चित्र बनाना है, और लास्ट में आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का चित्र बना लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।